एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसमें हम कंक्लूड करने वाले हमारे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में अगर आपको मेरी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर मैं पी एंड टेस्ट सीरीज़ अपलोड करती हूँ एंड रिसेंटली यूनिट सिक्स जो आपका स्कीम्स का पार्ट है उसका पार्ट वन भी मैंने उसी ग्रुप में अपलोड किया है तो वो ग्रुप जरूर आप टाइम पर ज्वाइन करें वहाँ पर आपको सारा इंपॉर्टेंट रिले मटेरियल रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम मिल जाएगा एक बार ही हम सिलेबस देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले तो ये रहा आपका सिलेबस इसमें यूनिट टू uh, का जेंडर इनक्वालिटीज इश्यूज हो गया फिर आपका जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हो गया था ठीक है फिर मैंने कहा ह्यूमन राइट्स हमें दोबारा पढ़ना है तो हम पहले ह्यूमन राइट्स को ही फिनिश करेंगे क्योंकि एक बार ही स्टार्ट हो गया था तो ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन भी आपका हो गया एंड आज हम डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है तो इसके साथ ही आपके यूनिट सेकेंड के दो चैप्टर्स एंड यूनिट थर्ड के दो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ये रहा आपका ह्यूमन राइट्स तो ये हमने पढ़ लिया है तो आज देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अब ये है क्या बेसिकली ये एक सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन है कुछ बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ठीक है जिनका प्रोटेक्ट करना जरूरी है तो वो सारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन द शेप ऑफ आर्टिकल्स वो मैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ठीक है जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो आपने पॉलिटी सेक्शन में पढ़े होंगे आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव क्या माने क्या आते हैं आपके आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसमें है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसा ही समझो आप वैसा ही ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मैंशनड है ठीक तो है इन द शेप ऑफ आर्टिकल्स तो यहाँ पे देखते हैं द कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कंजिस्ट ऑफ थ्री इंस्ट्रूमेंट्स ये जो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है ये एक डॉक्यूमेंट में मैंशनड है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है उसमें तीन चीज़ें आती हैं एक आपका यूडीएचआर आता है एंड आपका इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स आता है एंड थर्डली इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इट्स ओरिजिनल एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये तीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आप डॉक्यूमेंट्स बोल लो ये मैंशनड है एक डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स और हमारे सिलेबस का पार्ट इसमें क्या है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यू बोलते हैं ठीक है तो ये फॉर्म होता है अराउंड फोर पिलर्स अगर एग्जाम में आ जाए तो यू शुड नो दिस डिग्निटी लिबर्टी इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड सिंपल वर्ड्स हैं जो इनके इंग्लिश मीनिंग है वही यहाँ पे भी उनके मीनिंग्स आते हैं ईच पिलर रिप्रेजेंट्स एन आइडियल कंसिडर्ड एसेंशियल टू द एंजॉयमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ इन दियर कम्युनिटी ठीक है आपको डिग्निटी के साथ एक लाइफ रिस्पेक्ट के साथ एक लाइफ जीना जरूरी है ताकि आपकी जो लाइफ है उसको कंसिडर किया जाए कि आप एक फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हो लिबर्टी इंपॉर्टेंट है आपके लिए

प्रेजेंट किया ठीक है एक रिटर्न फॉर्मेट में इन फैक्ट द मच ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म सेटिंग एक्टिविटी ऑफ़ यूएन फ्लोज फ्राम एंड रिलेट्स टू यू डी एच आर अब जो यूनाइटेड नेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोलते हो जो आपके वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था इसका जो भी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी अपनी स्टेटमेंट्स देता है वो सारे बिल्ड अराउंड होते हैं आपके यू डी एच आर के तो ये डेट याद रख लेना इसको अडॉप्ट किया था एंड प्रोक्लेम किया था बाई जनरल असेंबली ऑफ़ द यूनाइटेड नेशनस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसका आपके यूनाइटेड नेशन का तो उसने इसको अडॉप्ट एंड प्रोक्लेम किया था कब टेंथ दिसम्बर नाइनटीन तो ये डेट इस पी में आपको दो चार जगह मिलेगी काफी इम्पोर्टेंट है ये आप याद रख लेना एग्जाम में आपको सीधे डेट जो है वो मैंशन हो सकती है कि कब इसको अडॉप्ट किया गया था इट वॉज एंड प्रोक्लेन बाई जनरल असेंबली ऑफ यूएन ऑन टेन डिसम्बर फोर्टी एट एज ए कॉमन स्टैंडर्ड जो हर इंडिविजअल एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी जो हर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी है ठीक है वो उसका काम है कि इनको टीच करना एंड एजुकेट करना टू प्रमोट एंड रिस्पेक्ट फॉर दीज राइट्स ये जो ह्यूमन राइट्स है इनको प्रोपोगेट करना अपनी सोसाइटी में अपनी कंट्री में एंड लोगों को एजुकेट करना इसके बारे में रिस्पेक्ट करना इन राइट्स की एंड फ्रीडम्स की एंड बाई प्रोग्रेसिव मेजर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल टू सिक्योर देयर यूनिवर्सल एंड इफेक्टिव इसका सिंपली क्या मतलब होता है आपको ऐसे प्रोग्रेसिव मेजर्स अपनी कंट्री में लेके आने होंगे जो इन प्रिंसिपल्स के अराउंड बिल्ड होंगे जो इंश्योर करेंगे ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो जैसे इंडिया की एग्जाम्पल हम ले लें तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं फाइन आर्टिकल फोर्टीन क्या बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी तो यही प्रिंसिपल्स हैं जो आपको यूडीएचआर में ऑलरेडी मैंशन किए गए थे उसी अराउंड आपको अपने कंट्री में ऐसे मेजर्स लेके आने हैं जिससे आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे जो यूडीएचआर इसको बोलते हैं इट इमर्स फ्रॉम दशज ऑफ वॉर एंड द दॉर ऑफ द होलोकास्ट तो होलोकास्ट क्या हुआ था बेसिकली जिसमें आपके जीव को यूरोपियन जीव को मारा गया था बाय नाजी जर्मनी नाजी आर्मी या सिंपली आप याद रख रख सकते हो हिटलर और एक अब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो बहुत इनका बुरा हाल हुआ था ऑलमोस्ट मिलियन लोग मरे थे जिसमें से छ मिलियन जीव थे एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर वगैरह काफ़ी लोग इसमें जो थे उनको एक्समिनेट किया गया था दैट उनको मारा गया था और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड हुआ था ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा वर्ल्ड वॉर के बाद एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस वो बना था ताकि वो कौन, ऐसा दोबारा कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट ना हो उतने ग्लोबल लेवल पे जो इतना मास डिस्ट्रक्शन लेके आए लेकिन ने फेल हुआ था क्योंकि उसके बाद भी हमारा वर्ल्ड वॉर टू जो है वो हुआ था एंड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ज्यूज को एक्सटर्मिनेट किया गया था बाय नाजी जर्मनी नाजी आर्मी जो हिटलर की आर्मी थी उन्होंने ठीक है तो बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा था गैस चेम्बर्स में उनको रखा गया था जहाँ पे वो जो है वो मर गए थे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर्स में सिक्स मिलियन जो है दैट इज सिक्सटी लाख ज्यूज को एक ही टाइम पे मारा गया था ठीक है तो ऐसा दोबारा कोई इवेंट इन फ्यूचर ना हो तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन ऐसे फ्यूचर इवेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था फाइन तो ये बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ह्यूमन राइट्स जो है उनको यूनिवर्सली रिस्पेक्ट नहीं किया गया था यूनिवर्सली रेस्पेक्ट नहीं किया गया था ऑब्वियसली नहीं किया गया तभी इतने मास स्केल डिस्ट्रक्शन हुई थी द एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट सेवेंटीन मिलियन पीपल ड्यूरिंग द होलोकास्ट इंक्लूडिंग सिक्स मिलियन जि हॉरिफाइड द एंटायर वर्ल्ड तो वॉर के बाद गवर्नमेंट्स जो थी वर्ल्ड वाइड दैट मीनस डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक कनेक्टेड एफर्ट बनाया था टू फॉस्ट इंटरनेशनल पीस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट तो उनको था कि हम प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट को ताकि ऐसे दोबारा इवेंट्स इन फ्यूचर आकर ना हो जैसा वो होलो हुआ था ठीक है इथ दिस रिजल्टेड इन द दब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गन था जो पॉलिसीज वगैरह बनाता है जिसको हम यू एन जी ए बोलते हैं फिर टेन डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी एट में किसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जिसको जिसमें ऑफिशियली ह्यूमन राइट्स जो है इन द शेप ऑफ आर्टिकल्स वो सामने आए थे कि आपको क्या क्या करना है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये जो डिक्लेरेशन है इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी यू डी एच आर इसको एक कमेटी ने ड्राफ्ट किया था जिनके जिनकी चेयरपर्सन थी एलिना रूजलवेट ये कौन है ये फ्रैंकलिन डी रूजलवेट की वाइफ थी रूजलवेट ये आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ठीक है थर्टी फर्स्ट एंड और थर्टी सेकेंड अमेरिकन प्रेजिडेंट है उनकी वाइफ एलिना रूजलवेल इन्हें क्या किया था और इस ड्राफ्ट कमेटी के कौन मेंबर्स थे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी रिपब्लिक ऑफ चाइना लेबिनन ऑस्ट्रेलिया चिली फ्रांस यूएसएसआर यूके एंड कैनेडा ठीक है इन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिवस ने एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी की चेयरपर्सन थी एलिना रूजलवेल्ट जिन्होंने ड्राफ्ट किया था दैट मीन्स ड्राफ्ट करना हो गया फॉर्म करना एक शेप देना किस को यूडीएचआर को तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है ये आप याद रख लेना अब जो यूडीएचआर है इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं दैट इज अ यूनिवर्सैलिटी इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी यूनिवर्सैलिटी दैट मीन्स ये सारी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई होता है अराउंड द वर्ल्ड इसमें कोई डिस्टिंगशन नहीं होता है ऑन द बेिस ऑफ योर रेस कलर सेक्स सेक्शल ओरियंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिकल और एनी अदर ओपिनियन ये सब पे अप्प्लाई होगा यूनिवर्सली आप ये नहीं कह सकते कि ये एक कम्युनिटी uh, को फॉलोइंग uh, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या किसी एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो यूरिए चार नहीं मानेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सली सब पे अप्लाई होगा एंड अगर आप एक राइट right इसमें से छीन लोगे दैट मीन्स अगर ये थर्टी आर्टिकल्स हैं इसके अंडर जिसमें कुछ राइट्स डिस्कस होते हैं अगर उनमें से एक भी राइट right को आप जो है क्रॉस कर दोगे कि ये राइट right इसमें नहीं आएगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब राइट्स पे भी पड़ेगा ठीक है एंड इंटरडिपेंडेंट है दैट मीन्स जितने भी थर्टी आर्टिकल्स हैं डिक्लेरेशन में वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है ठीक है कोई नहीं बोल सकता कि अगर आर्टिकल फिफ्थ uh, है वो आर्टिकल एट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है इसमें सारे राइट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप एक राइट को उसमें से खत्म करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी राइट्स पे भी पड़ेगा एंड ये जो राइट्स हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं सब लोगों पे सब कंट्रीज के ठीक है इ ऑफ देयर रेस कलर सेक्शुअल ऑरियंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी अब इसके कुछ यू uh, के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम द प्रीएम्बल ऑफ़ यू मेक्स इट क्लियर दैट इट वाज अ सिंपल टेस्टिमनी टू द फैक्ट के ये पहला नॉर्मेटिव रेस्पॉन्स रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का किस चीज़ के uh, किस चीज़ का रिस्पॉन्स रहा किस चीज़ के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स दिया गया था टू द टेरेबल एक्सपीरियंसिस इट हैड डूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस टाइम के बाद बना फर्स्ट कोई एक इवेंट लिखा होगा जैसे आपको यहाँ पे अमेरिकन रेवल्यूशन लिखा होगा रशियन रेवोल्यूशन ठीक है या वर्ल्ड वॉर वन लिखा होगा एंड वर्ल्ड वार टू लिखा होगा कि किस इवेंट के बाद जो है यू डी एच आर हमारे जो है उनको प्रोक्लेम किया गया था तो इसका आंसर होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है तो प्रियम्बल बेसिकली क्या होता है जो किसी चीज की एसेंस बताता है उसकी बेसिक जान क्या है जैसे आ, इंडियन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो उसमें प्रीएम्बल लिखा होता है कि इंडिया एक जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रीएम्बल में, में है। जो की पॉइंट्स या की नोट्स बोल सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रीएम्बल में दिए गए होते हैं जिनको फिर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया होता है तो वो आपका प्रीएम्बल हुआ तो यूडीएचआर का जो प्रीएम्बल है क्लियर करता है कि जो यूडीएचआर है ये एक नॉर्मेटिव रेस्पॉन्स था दैट मींस कुछ नॉर्म सेट किए गए थे एक टेरेबल एक्सपीरियंस के बाद जो हुआ था वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल वन विच रीड्स एज तो इसका आर्टिकल वन क्या है ऑल ह्यूमन बींगस आर बॉर्न फ्री एंड एकवल इन डिग्निटी इन राइट ठीक है तो ये जो इसके आर्टिकल्स हैं थर्टी आर्टिकल्स हैं ये हम पढ़ेंगे इसे मैंने मैंशन किया हुआ है इसके थर्टी आर्टिकल्स क्योंकि थर्टी ही अगर बहुत ज़्यादा होते तो मैं आपको कहती रहने दो लेकिन वाई टेक ए चांस हो सकता है एग्जाम में आपको आर्टिकल दिया हो सीधे यू का कि इस आर्टिकल में क्या मैंशनड है तो अगर आई वुड सजेस्ट कि आप वो याद करें वो वो आर्टिकल्स अगर आपके पास टाइम है अगर आप नहीं करना चाहते हो दैट इज़ योर कॉल बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो आर्टिकल्स जो हैं उनका एटलीस्ट हाईलाइट आपको पता हो कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बोलता है फाइन इन डिफाइन द बेसिक एजम्पन ऑफ डिक्लेरेशन दट राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है वो इंसान का बर्थ राइट है और उसको आप खत्म एंड इट के नॉट बी एलियनेटेड उसको आप उससे छीन नहीं सकते हो क्योंकि मैन जो है एक रैशनल एंड मॉरल बींग है और इ डिफरेंट है फ्रॉम अदर क्रिएचर्स ऑन अर्थ मैन रेशनल भी है एंड मॉरल भी है ठीक है आप रैशनैलिटी और किसी इनमें नहीं देखते हो आपको आप डॉग्स में लॉजिक नहीं बोल सकते हो या आप कैट्स में मॉरलिटी पर उनको जज नहीं कर सकते हो ह्यूमन बींग ही वाहद ऐसा क्रिएचर है जिसमें रैशनैलिटी भी है एंड भी है तो क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें हैं प्रेजेंट हैं तो ही इज एंटाइटल टू सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम जो उसको मिलने चाहिए जो बाकी क्रीचर्स को नहीं मिलते हैं ऑल अब ऑलमोस्ट सब क्रीचर्स के लिए हम राइट्स की बात करते हैं तो हमें ह्यूमन राइट्स की बात भी करनी चाहिए सिमिलरली आर्टिकल टू में कुछ चीजें मैंशनड हैं ये यह यहाँ पे हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे हम वीडियो में देखेंगे आर्टिकल्स को सेपरेटली बाकी देखते हैं नेचर ऑफ यू इसमें बेसिकली क्या है लॉन्ग लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो बिलोंग करते हैं इन ये जो राइट्स हैं इनको कैटेगराइज किया है सिविल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स ठीक है जो आर्टिकल थ्री है प्रोवाइड्स फॉर राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ये आर्टिकल हम आगे देख लेंगे दिस इज इन आर्टिकल टू टू में फर्दर कुछ राइट है ये भी फॉर नाउ वी विल स्किप दिस क्योंकि द एंड ये सेपरेटली मेन्शन है आगे देखते हैं अंडर द डायनेमिक चेयरमैनशिप ऑफ एलिने ये हमने कर लिया था ये इनको ड्राफ्ट किया गया था यूडीएचआर को और जो ये रूजल वेट है इन्होंने कहा था कि जो डिक्लेरेशन है यूडीएचआर है उसको उन्होंने कहा था ये इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा है फॉर ऑल मैनकाइंड ठीक है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है मैग्ना कार्टा किसी चीज को बोलते हैं वो क्या है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो इससे मुझे ये पता चले कि आप रेगुलरली वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो एलिनड ने क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो यूडीएचआर है ये इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड है और इसको किसने ड्राफ्ट किया था इन्होंने प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फ्यू कंट्रीज वो भी हमने कर लिया इस डिक्लेरेशन में आपको थर्टी आर्टिकल्स मिलेंगे जो अफर्म करते हैं इंडिविजुअल्स राइट right, कि क्या क्या होने चाहिए तो थर्टी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है इन द शेप ऑफ थर्टी आर्टिकल्स आपको यूडीएचआर में देखने को मिलते हैं देखो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है याद रख लेना हंसा मेहता ये फॉरेन डिप्लोमैट थी जो इन्वॉल्व थी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो ड्राफ्ट करने में फॉरेन डिप्लोमैट ठीक है एंड शी द ओनली अदर फीमेल डेलीगेट टू द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट जो कमीशन बैठी थी ठीक है जो एक कमिटी बैठी थी ओनली अदर फीमेल एक आपकी वो एलिनियर uh, थी एंड योर हंसा मेहता तो इनको क्या किस लिए uh, और याद रखा जाता है क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा आर्टिकल में कि ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन्होंने इस फ्रेज को चेंज करके डिक्लेरेशन में ऐड करवाया था कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल तो जब हम मेन की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर जेंडर हो गया ऑल ह्यूमन बींग्स में आपके सारे जेंडर्स आ गए और उस टाइम पे मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के 58 एट दैट मीन फिफ्टी कंट्रीज जो थी वो यूएन के मेंबर्स थी 58 में से आउट ऑफ 58 48 ने क्या किया था फेवर किया था इसको यू डी एच आर को कि हाँ ऐसा यू डी एच आर जो है इसको आप पास करो ठीक है और किसी ने उसके अगेंस्ट वोट नहीं किया था एट एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग दैट मीनस एट ने वोट नहीं दिया था अपना उन्हें ऐसा नहीं है उन्होंने इसको uh, इसके अगेंस्ट वोट दिया हो उन्होंने वोट ही नहीं दिया था एंड दो कंट्रीज़ हन्द्राज एंड यमन उन्होंने भी वोट नहीं किया था या आप बोल सकते वो भी एब्सटेंड रहे थे फ्रॉम वोटिंग तो फोर्टी एट ने फेवर में वोट किया था एंड जो दस थे दे एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग फाइन एंड टोटल कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे 58 यूनाइटेड नेशन के जब भी यू डी को प्रोक्लेम किया गया था अब इम्पोर्टेंस ऑफ यू डी एच आर वेन द जनरल असेंबली एडॉप्टी एच आर इन नाइनटीन फोर्टी एट इट इंटेंडेड द डिक्लेरेशन टू बी ए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड नेशंस लेकिन सिक्सटी ईयर्स आफ्टर डिक्लेरेशन वन फाइन दैट इट स्टिल स्टैंड एट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉमेटिव एक्ट एवर एडॉप्टेड बाई द यू एन ठीक है ऑल दो तब ये किया गया था कि हाँ एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट हो जाए आपके ह्यूमन राइट्स के लिए लेकिन इतने सालों के बाद भी सिंगल मोस्ट डॉक्यूमेंट है जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है जो यूएन के थ्रू आई गए हैं देखते हैं क्यों ऐसा हुआ कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा एवर एडॉप्टेड फॉर ए नंबर ऑफ रीजन पहला रीजन क्योंकि ये बना था एक वर्ल्ड वॉर टू के टेरेबल एक्सपीरियंस टेरेबल हेरोग एक्सपीरियंस ऑफ इंटर वॉर टोटेलिटेरियनिज्म एंड हॉर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है ये उस स्टेट के लिए अप्लाई होता है या उस कंट्री के लिए आप बोलो जिसकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को कम्प्लीटली जो है वो कवर करती है ठीक है लोगों के पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ उसमें कुछ भी नहीं रहता है जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी लोगों की प्राइवेट अफेयर्स पे भी रहती है पब्लिक अफेयर्स पे भी रहती है उसको हम टोटलिटेरियन रजीम बोलते हैं तो जो आपकी नाजी जर्मनी थी जिन्होंने वो होलोकास्ट किया था और वर्ल्ड वॉर टाइम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें करी थी वो नाजी गवर्नमेंट जो जर्मनी में थी अंडर एडोल्फ हिटलर वो एक टोटेलिटेरियन रजिम ही था ठीक है तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि ये इन ख़तरनाक एक्सपीरियंसेस के बाद बना था एक इंटर वॉर टोटलिटेरियनिज्म हुआ था एंड हॉरर्स ऑफ़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है तो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया था सेट किया था ह्यूमन राइट्स एजेंडा ऑन द बेस ऑफ़ दीज सेकेंडली ये जो डिक्लेरेशन है इट डिड नॉट प्रोक्लेम इट सेल्फ टू बी लीगली बाइंडिंग देखो जब कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग होती है आप पे उसका मतलब होता है कि अगर आप वो फॉलो नहीं करो तो यू विल बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट ठीक है आपको वो फॉलो करना ही करना है यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेकिन ये याद रख लेना ये भी एग्जाम में आ सकता है कि यू जो है क्या ये लीगली बाइंडिंग है आप लोगों के लिए नहीं तो यूडीएचआर कंट्रीज़ के लिए लीगली बाइंडिंग नहीं है लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है इसने फ्रेमवर्क दे दिया कंट्रीज को कि ह्यूमन राइट्स जो है वो इन इन इश्यूज में इन इन एस्पेक्ट्स में होना चाहिए तो डिफरेंट कंट्रीज क्या करती हैं उसको उन फ्रेमवर्क के अराउंड वो अपने ह्यूमन राइट्स जो है वो बिल्ड करती हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो सारे फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल हैं थर्टी इसी के अराउंड बिल्ड है प्लस ऑब्वियसली कंट्री में कुछ और भी चीजें होती हैं तो उसमें काफी एडिशन आपको मिलेंगी लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट right है आप बोल सकते हो वो भी इन्फ्लुएंस हुआ था आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से ठीक है तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एंड थर्डली इसके साथ साथ दो इंटरनेशनल कॉविनेट्स ऑन ह्यूमन राइट्स उनको भी हमने क्या किया था उनको भी इन्होंने ड्राफ्ट किया था जैसे मैंने पहले कहा था इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट में तीन चीजें आती है एक आपका इस वाली स्लाइड में वो गिवन है एक आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है और दो कॉविनेंट्स आगे कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ठीक बोथ ऑफ विच अलोंग विद यूडीएचआर कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था The diverse provisions of UDHR jo hai inspired the eventual drafting and adoption of large number of treaties and further declarations on specific aspect of human right. In fact, all the almost all the United Nations human right instruments that have emerged so far are in some way or the other based on UDHR. तो इस वजह से भी ये सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा क्योंकि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव था इसमें सारी बातें की गई थी तो इसके बाद यूएन ने ह्यूमन राइट्स को लेके यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को लेके जो भी आप बोल सकते हो ट्रीटीज साइन हुई कंट्रीज के बीच में या और कोई डॉक्यूमेंट आया वो कहीं ना कहीं यूडीएचआर से ही इंस्पायर्ड था फोर्थ इट ऑल्सो इंस्पायर्ड एफर्ट्स एट द रीजनल लेवल दैट मीन डिफरेंट कंट्रीज अपने लेवल पे डिफरेंट एक्ट या ऐसी कोई ट्रीटीज लेके आए अग्रीमेंट्स लेके आए जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात करते थे वही बातें जो यू डी एच आर में ऑलरेडी मैं थी एक्जाम्पल्स में इट्स इंफ्लुएंस ऑन द यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ नाइनटीन फिफ्टी एंड द इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश अंडर दिस ट्रीट सच यूरोपियन कमिशन ऑफ ऑन ह्यूम राइट यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट द चार्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी नाइनटीन सिक्सटी थ्री ऑल्सो एक्नोलॉजेज इट इन्फ्लेंस तो ये जो ट्रीटीज एंड कन्वेंशन यहाँ पे मैंशनड है ये आपको याद नहीं रखने बस इसलिए है आपको बोलने के लिए कि ये जो डिक्लेरेशन है इसका आपको एफर्ट मिलेगा लोकल लेवल पे भी रीजनल लेवल पे देखने को क्योंकि यूडीएचआर क्या यूनिवर्सल है सारी कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है तो डिफरेंट कंट्रीज इससे इन्फ्लुएंस में आके अपने अपने जो अग्रीमेंट्स है कंट्रीज के विद इन वो सामने लेके आते हैं वो ड्राफ्ट करते हैं हवे आपको एक चीज याद रखनी होगी ये जो यूडीएचआर है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है ये रिफ्लेक्ट करता है मिड सेंचुरी वेस्टर्न मिड सेंचुरी वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मिड सेंचुरी आपका ट्वेंटी सेंचुरी का मिडिल पार्ट मान लो आप नाइनटीन के अराउंड ये वही करता है आप डिपेक्ट करता है क्योंकि हमने क्या बोला ये कब इट वॉज बिल्ड ऑन दी एशेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945 तक तो इस बीच में जो टेरेबल एक्सपीरियंसेस लोगों ने फेस किए थे उन्हीं की वजह से ये सामने आया था लेकिन अगर आप कंट्रीज़ ऑफ़ एशिया अफ्रीका की बात करो लैटिन अमेरिका की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी अंडर डेवलप कंट्रीज़ उनको दे स्टार्टेड बीइंग फेल्ड एट यूनाइटेड नेशंस ओनली फ्रॉम नाइनटीन क्योंकि तब तक उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन की मेम्बरशिप नहीं हासिल की थी ठीक है तो इन कंट्रीज़ में नाइनटीन से पहले जो ह्यूमन राइट्स हुए थे उन पर कोई खास चर्चा नहीं हुआ था कोई बात नहीं हुई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था

और ये जो कंट्रीज है इन्होंने 1960s के अराउंड अराउंड यूएन को ज्वाइन करना शुरू किया था तो इनकी प्रॉब्लम्स को उतना अटेंशन नहीं मिला था जितना यूरोपियन प्रॉब्लम्स को मिला था तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि जो थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट इस इसपे क्वेश्चन किया गया था एज वेल एज ए यूनिवर्सैलिटी ठीक क्योंकि ह्यूमन राइट वायोलेशन बाकी कंट्रीज में भी हुए थे जो यूएन का पार्ट नहीं थे ठीक है तो जब आप यूएन के पार्ट ही नहीं हो तो यूडीएचआर आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है यूडीएचआर उन्हीं कंट्रीज के लिए वैल्यू रखेगा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है जिनको मेंबर कंट्रीज बोलते हैं फाइन तो यहाँ पे भी इनकी यूनिवर्सैलिटी पे क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पे भी वेस्टर्न यूरोप में प्रॉब्लम हुई उन्होंने यूडीएचआर लाया थ्रू यूएन लेकिन जो कंट्रीज यूएन के मेंबर्स ही नहीं है वहां पे भी वॉयलेशंस हो रही हैं उन वॉयलेशन की जो बात है वो नहीं की गई थी उससे पहले जब तक उन कंट्रीज ने यूएन मेंबरशिप जो है वो हासिल नहीं की कुछ एन भी बने हैं ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स को and human right at levels, NGOs है अपार्ट फ्रॉम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट कमिश्न एट नेशनल लेवल्स काफी एनजीओज भी द वर्ल्ड आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा ठीक है काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ह्यूमन राइट बॉडी को लेकर सम ऑफ द एनजीओ इंटरनेशनल फेम आर इंटरनेशनल कमिशन ऑफ जूरिस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पैरिस में है एंड इंटरनेशनल लीग ऑफ ह्यूमन राइट ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस विद यू एन दट मीनस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव बिन रिकोगनाइज बाई यूनाइटेड नेशन ठीक है दो इंपॉर्टेंट एन जी ओज ऑफ इंटरनेशनल ऑफ इंटरनेशनल रिकोगशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो स्टेबलिश हुई थी नाइनटीन सिक्सटी वन में और पोलिटिकल प्रिजनर्स के रिगार्डिंग ये बात करती है एंड सेकेंड वन इज ए ह्यूमन राइट्स वॉच जो स्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन एटी सेवन में इन न्यूयॉर्क इसके मोर देन एट थाउजेंड मेम्बर्स है ये क्या करती है इवेलुएट करती है ह्यूमन राइट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट्स In accordance with the standards जो किए गए हैं, थ्रू द इंटरनेशनल लॉ एंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन आर्टिकल्स की अब देखो पूरा पूरा जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है ना वो आपके लिए एक की uh, पॉइंट आप उसका बोल सकते हो सेंट्रल पॉइंट आपका जो आपको याद रखना है आप कैसे याद रखोगे आर्टिकल वन किसके बारे में बात करता है ऑल आर बॉर्न फ्री तो एग्जाम में अगर आपको बॉर्न फ्री के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट में कुछ दिख जाए तो वो आर्टिकल वन होगा सेकेंड कहता है कि जो राइट्स हैं दे बिलोंग टू एवरी ठीक है इसमें आप ये याद रखोगे पहला है बॉर्न फ्री दूसरा है राइट्स बिलोंग टू एवरी वन थर्ड वन टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी फोर्थ आर्टिकल स्लेव के बारे में बात करता है कि नो वन कैन बी हेल्ड ए स्लेव फिफ्थ आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट नो वन हैज राइट टू इनफ्लिक टॉर्चर कोई आपको टॉर्चर या इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है अगर आपने नोट्स में ऐसे भी करके बनाओगे आर्टिकल वन ठीक है ये बोलते हैं ऑल आर बॉर्न फ्री आर्टिकल टू की जो राइट्स हैं दे बिलोंग टू एवरी वन फाइन फिर आर्टिकल थ्री आर्टिकल टू था आर्टिकल थ्री हो गया राइट टू लाइफ फ्रीडम आर्टिकल फोर कोई स्लेव नहीं है आर्टिकल फाइव नो वन हैज राइट टू इन्फ्लिक टॉर्चर तो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात किसमें की गई है आर्टिकल फाइव में अगर ऐसे करके आप रखो रोज रोज आप पांच छे आर्टिकल याद करो अगर आपके लिए थर्टी एट वन को याद करना डिफिकल्ट होगा तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है आपको थर्टी आर्टिकल यूडीएचआर के इजिली याद करना क्योंकि एग्जाम सिलेबस पर आपको यूडीएचआर जो है वो स्पेसिफिकली मैंशनड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट तो इसके जो सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलरली आर्टिकल्स लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं आर्टिकल सेवन की लॉ जो है वो सबके लिए है एंड मस्ट ट्रीट अस इक्वली तो लॉ रिलेटेड बातें आर्टिकल सिक्स में हुई हैं सेवन में हुई है एट में हुई है एवरी वन हैज राइट टू लीगल सपोर्ट दैट मीन्स एक राइट टू हायर अ लॉयर वगैरह वो सारा वो सबका राइट है तो वो आर्टिकल एट में आता है ठीक इससे आप वो भी याद करो मैंने जहाँ प्रिंसिपल्स बताए थे उसमें ये भी मेंशन था इंडिविजिबिलिटी कि अगर आप एक आर्टिकल उसमें से निकाल लो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी आर्टिकल्स पे भी अब आर्टिकल सिक्स सेवन एट जो है काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है अगर आप सेम लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इसमें से हटा दो तो राइट टू लीगल सपोर्ट इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा लॉ इज सेम फॉर एवरी इस इसपे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ठीक है आर्टिकल नाइन कहता है कि नो बड़ी शुड बी अरेस्टेड और पुट इन प्रिजन आर्टिकल टेन रिलेट्स टू एवरी वन अक्यूज ऑफ क्राइम उसके पास जिसको भी आपने बोला की इसने क्राइम किया है जिसको अक्यूज किया गया है ऑफ क्राइम उसके पास राइट है टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट कि मैं अभी तक मासूम हूँ जब तक मुझे गिल्टी प्रूव ना किया जाए ठीक है आर्टिकल ट्वेल्व है कि कोई भी हमारे घरों और फैमिली में नहीं इंट्रूड कर सकता है नहीं घुस सकता है विदाउट एनी गुड रीजन आर्टिकल थर्टीन इज हम फ्रीली घूम सकते हैं अपनी कंट्री में और विजिट कर सकते हैं लीव कर सकते हैं कंट्री वेन एवर वी विश आर्टिकल फोर्टीन वी हैव द राइट कि हम किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं एंड वहाँ की प्रोटेक्शन ले सकते हैं अगर हमें कोई डर है अपनी कंट्री में इसको असाइलम सीक करना बोलते हैं टू सीक असाइलम जैसे आपको लगे यहाँ पे आप सेफ नहीं हो आप किसी और कंट्री में चले जाओ और वहाँ की सिटीजनशिप ले लो आप वहां पे अपने आप को ज्यादा सेफ फील करते हो तो उसका मतलब होता है असाइलम सीख करना दूसरी कंट्री में आर्टिकल फिफ्टीन वी ऑल हैव द राइट टू बी ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री जिसकी भी हमें मर्जी हो आर्टिकल सिक्सटीन राइट टू मैरी एंड हैव अ फैमिली वो भी हमारा पर्सनल राइट right है आर्टिकल सेवनटीन प्रॉपर्टी रखना हमारा राइट right है आर्टिकल एटीन फ्रीडम टू थिंक और इंक्लूडिंग थिंक और बिलीव वट दे वॉन्ट इंक्लूडिंग द राइट टू रिलीजियस बिलीव, हम किस रिलीजन पे बिलीव करते हैं वो भी हमारा राइट right है तो आप देख रहे हो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो आपको क्लिक हो रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स में भी यही सारी चीजें ओन ओपिनियंस एंड बी एबल टू एक्सप्रेस फ्रीली ये भी हमारे पास है आर्टिकल 20 राइट टू फॉर्म ग्रुप्स ऑर्गेइज करना पीसफुल मीटिंग ये आपके फंडामेंटल राइट right में आर्टिकल नाइनटीन का पार्ट आ जाता है ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी वी हैव द राइट टू टेक पार्ट इन अर कंट्रीज पोलिटिकल अफेयर आर्टिकल ट्वेंटी टू द सोसाइटी वी लिव इन शुड शुड हेल्प एवरी पर्सन डेवलप करने के लिए टू देर बेस्ट एबिलिटी कैसे इंसान डेवलप हो सकता है उनको काम करने दो कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखो एंड राइट टू सोशल वेलफेयर उनको वेलफेयर भी अच्छा जो है प्रोवाइड करते रहो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री हम सबके पास राइट टू तो एम्प्लॉयमेंट है एंड टू बी फ्री टू चूज़ हर वर्क वो हमारी अपनी मर्जी है आर्टिकल ट्वेंटी फोर टॉक्स अबाउट एवरी वन हैज़ अ राइट रेस्ट करने के लिए एंड लेजर टाइम जो है आपका वो एन्जॉय करने के लिए

Twenty-eight is we have a right to live in a peaceful and orderly society. Twenty-nine talks about the duties to the community we live in that should allow us to develop as fully as possible. Theke? we have the duties to the community we live in. Iske towards hamari kuch duties hain. Fine, aur hi fundamental duties aapki mentioned hain? That is part four of your constitution. वैसे ही इन ड्यूटीज के बारे में आर्टिकल ट्वेंटी नाइन में बात की गई है आर्टिकल थर्टी नो गवर्नमेंट ग्रुप और इंडिविजुअल शुड एक्ट इन अ वे जो डिस्ट्रॉय करेगा राइट right या फ्रीडम ऑफ यूडीएचआर ठीक है जो भी इसमें राइट एंड फ्रीडम्स है यूडीएचआर में कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगा जो इनके अगेंस्ट एक्ट करे तो ये थे आपके थर्टी आर्टिकल्स तो यहाँ आपका यूडीएचआर भी कम्प्लीट होता है इसका पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी वो देखें रिवाइज करें और एटलीस्ट जो इन आर्टिकल्स के हाईलाइटेड पोर्शन हैं, उनको याद करने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहे हैं फाइन, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हैव ए गुड डे